भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन आने वाली 28 मई को हो जाएगा, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन से कई दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार 24 मई को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत पुराने प्रतीक सेंगोल का इस्तेमाल करके लोगों को चौंका दिया है। हम अपनी इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि ये सेंगोल है क्या, इस प्रतीक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बात उन दिनों की है, 1947 की है, जब अंग्रेजों ने भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया था और ये बोला गया कि अब हस्तांतरण किया जाए तो प्रतीकात्मक रूप से किस चीज़ का यूज किया जाए। तो सी राजा गोपालाचार्य थे, राजा जी के नाम से जानते थे, उन्होंने कहा कि चोल वंश का एक प्रतीक चिन्ह है जिसे सेंगोल बोलते हैं, उसे आप कीजिए। तो कर्नाटक सरकार ने उसे बनवाया था, तो इस में सत्ता का हस्तांतरण किया था, तो इस मौके पर सेंगोल का इस्तेमाल किया गया। सेंगोल दिया गया, एक प्रकार की छड़ी है जो ऊपर उसके अंदर ऊपर बना हुआ है बोल और आपका सिल्वर की बनी हुई ऊपर से कोटिंग है, किया गया। सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है, दंड का मतलब कोई लकड़ी, कोई स्टिक, ठीक है, राजदंड है, यानी वह देश के शासक के हाथों में सत्ता का स्वामित्व होने का प्रतीक है। अंग्रेजों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। आज़ादी के बाद सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस प्रतीक को लोग धीरे धीरे भूल गए, लेकिन उस ऐतिहासिक अवसर के लगभग 75 साल बाद एक बार फिर से सेंगोल सुर्खियों में आ गया है और हर अखबार में सेंगोल के बारे में लिखा गया है। और वह देश की नई संसद भवन में लगाया जाएगा। इतने दिनों से कहाँ था सेंगोल, क्या आपको जानकारी है? तो हम बताते हैं। अब सवाल उठता है कि तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपे जाने के बाद और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आखिर यह राजदंड सेंगोल कहां पर था? इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंगोल को बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले भूमिधि ऐशराजलू के बेटे उदय भूमिधि ने कहा, यह तो हमें भी नहीं पता कि अभी तक यह मतलब सेंगोल कहाँ पर था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने हमसे संपर्क किया और इसके बारे में हमसे पूछा गया तो इसने हमारी एकाएक एकाग्रता जागी और हमारी यादों को ताज़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि हमें पता नहीं था और कि आखिर में क्या है या फिर हम इसे भूल गए थे, लेकिन यह ज़रूरत है कि यह कहीं हमारी यादों में दबा। तो सेंगोल को भूलना काफ़ी मुश्किल है, यह हमारी यादों में दब गया था, लेकिन फिर सरकार ने हमें इसके बारे में याद दिलाया और अब हम कह सकते हैं कि यह आप सबके सामने है। गौरतलब है सेंगोल प्रयागराज में नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। अब सरकार इसको देश की नई संसद भवन के में लगाएगी। आम नागरिक से लेकर खुद प्रयागराज म्यूजियम के लोग भी इस सेंगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर ही जानते हैं। म्यूजियम को भी यह जानकारी थी कि यह पंडित नेहरू को तोहफे में मिली हुई गोल्डन स्टिक यानी सोने की छड़ी है। देश के आज़ाद होने के वक्त इस गोल्डन स्टिक को बनाने वाली तमिलनाडु की कंपनी ने 2 साल पहले ही इस बारे में प्रयागराज म्यूजियम को जानकारी दी थी। नेहरू गैलरी के एंट्रेंस गेट पर बने शोकेस में रखी गई सेंगोल प्रयागराज म्यूजियम में यह गोल्डन स्टिक पहली मंजिल पर बनाई गई नेहरू गैलरी के सेंट्रल गेट पर बने शोकेस में रखी गई थी। इस गैलरी में पंडित नेहरू के बचपन की तस्वीरें से लेकर के उनके घरों के मॉडल्स, ऑटोबायोग्राफी और उपहार में मिली कुछ तमाम वस्तुएं भी रखी गई हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशक पर यह सेंगोल तकरीबन 6 महीने पहले 4 नवंबर 2022 को प्रयागराज म्यूजियम से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में इसलिए भेज दिया गया था ताकि संसद भवन की नई बिल्डिंग में स्थापित किया जा सके। सेंगोल को लेकर उठ रहे हैं काफ़ी सारे सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सेंगोल के बारे में देश को जानकारी दी। सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस बारे में अभी तक देश को हकीकत की जानकारी क्यों नहीं थी? यह जानकारी अभी तक देश से छिपा कर क्यों रखी गई थी? जो चीज़ देश की संपत्ति थी उसे पंडित नेहरू की प्रॉपर्टी के तौर पर म्यूजियम में क्यों रखा गया था? यह लापरवाही किसने की और या किसी और की लापरवाही थी? अगर यह किसी की लापरवाही थी तो क्या इसमें किसी की जवाबदेही तय हो जाएगी? क्या देखते हैं क्या होता है। ब्रिटिश हुकूमत में किंग जॉर्ज के कहने पर अंतिम वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तमिलनाडु की एक कंपनी से यह राजदंड यानी सेंगोल तैयार कराकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। यह राजदंड सत्ता हस्तांतरण पावर को ट्रांसफर करना के प्रतीक चिन्ह के तौर पर पंडित नेहरू को दिया गया था, लेकिन ये देश की संपत्ति थी। पंडित नेहरू ने इसे नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन में रखवा दिया था।